प्रसव पीड़ा से तड़पती पुष्पा ने एक बेटी को जन्म दिया। सीजर ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की गई। डिलीवरी के बाद ही पुष्पा की ब्लीडिंग शुरू हो गई और हालत बिगड़ती चली गई। जल्दबाजी में पुष्पा को पलांडू से बड़का गांव रेफर कर दिया गया। वहां से हजारीबाग भेज दिया गया। यहां घर वालों को बताया गया कि पुष्पा अब इस दुनिया में नहीं। परिजनों में चीख पुकार मच गई। घर वालों ने इल्जाम लगाया कि एक सहिया की वजह से पुष्पा की जान चली गई। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि घर में कई बच्चों का जन्म हुआ पर ऐसा पहली बार हुआ कि डिलीवरी के बाद ही प्रसूता को ब्लीडिंग शुरू हो गई। 3 इंजेक्शन तक मंगवाए गए पर ऑपरेशन ही गलत कर दिया गया। इल्जाम है कि ऑपरेशन के समय प्रसूता का एक वेन कट गया जिसके कारण एक मासूम नवजात के सिर से मां का आंचल छिन गया। पुष्पा देवी की मौत से लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। उनका कहना है कि किसी भी अस्पताल का हाल ठीक नहीं। सहिया के भरोसे प्रखंड के अस्पताल चल रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल भी भगवान भरोसे। गर्भवती पुष्पा को भोर के 5 बजे पलांडू के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तब घर वालों से कहा गया कि चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होगा। बच्चे के जन्म लेते तक सब कुछ ठीक ठाक रहा भी, पर एक गलती की वजह से पुष्पा की मौत हो गई। सुनिए क्या बोले पुष्पा के घर वाले और ANM। दर्द बता ले तो 5 बजे घर में ले गए, सही है सब बोल ले तो सही है। कुबेर के 9 बजे तल वहाँ पानी उन्हें चढ़ा के बच्चों बढ़िया फैसला कर ले। मैंने छोटा पसर कैंची से काटला तखन बच्चों बढ़िया मैंने पैदा हो गए। पैदा भेल के बाद कपड़ा लत्ता बदल लाल थे, मैंने पहने चढ़ते रहें कपड़ा लत्ता पहने खड़ा जो कर रहे थे ने तखन ब्लड मैंने घिरे लागल। तो बोल जे ना हमारा ठीक ना लग रहा चक्कर आ रहा है, चक्कर आवे पहले बस कल तुम बेड में सो जाइए। बेड में सोते के बाद मैंने कुछ रुया हुआ मैंने कुछ अथी कर रही थी चीहे लाल थी ना 3-4 टका देखे पर के लिए 2 टका पर दीदी 3-4 टका दे दिया। अरे फट गया तो क्या करें, से पहले कैंचिया ज़्यादा लगा दिया था तब तू ही जानती है सी हुई के फिर खड़ा कर दी। तो ब्लड में मैंने ज़्यादा ब्लडे में ज़्यादा थी तो हमें कहले जवाब दीजिए ना तो कहूँ लगेगा ना यहाँ देखा और हमारा सीरियस कर देवा से हमारा लेके तो जीरो बोले जो गड़िया बोला जीरो से बड़का वहाँ से तो एम्बुलेंस के बोले लो तो पैदल घाटा टाइम हो तो कहलिए जल्द बुक कराए ना गड़िया तो फिर इन्होंने फोन करो तो बोलेरो पहले तुम झट के गड़िया से ले ले जाते 4:45 के लगभग थोड़ा सा पेट उट दर्द करने लगा तो सहिया के फ़ोन किए हम लोग तो सहिया यहाँ फ़ोन कर दिया तो सहिया बोला कि वहाँ ले जाओ वहाँ सब मौजूद है वहाँ। अब हम लोग जैसे मोटरसाइकिल बैठा के मैंने लड़का और हमारा परिवार वहाँ ला के और रखा और रखा था हम घर ने थे हम वहाँ मैंने रहें घरे ने। उसके बाद हम फोन करें कि कैसा है तो बोल नहीं से 2 घंटे के बाद बोल रहा है कि पैदा हो जाएगा बच्चा तो हमें कोई दिक्कत होगा तो कहीं ले जाएंगे ना वैसे कोई दिक्कत नहीं। जब लड़की पैदा हुआ साइकिल बिछेर कर यहाँ हम पहुँच गए। हाँ जब आए ने तो हम देखें कि कैंची उची सब मतलब धो रहा था 10-15 मिनट ऊपर और उसका बाद ब्लेड इसको स्टार्ट हो गया तो मैंने जीरवा देवी बोला कि हाँ ब्लेड आ रहा है से इसको गाड़ी खोजिए ले चलिए। तो हम की वैसा बात है तुरंत ले गए। अब गाड़ी उड़ी जाल 10-15 मिनट खोजें उसके बाद यहाँ बेहोश हो गया। जब लादे ने कोई से नहीं बोलेरो था अब कोई तरीके से लादे ने तो यहाँ से नदियों नहीं निकले और उसको जान यहाँ से बड़का गाँव ले गए। तो बड़का गाँव गए तो वहाँ देखा था तुरते वहाँ रेफर काटा काट दिया कि जाओ हजारीबाग। अब वहाँ से कागज़ दिया तो वहाँ से ले गए हजारीबाग और वहाँ जो ऐसे फिर कागज़ पकड़ बनाया और सब कागज़ वहीं रख लिया। अब कागज़ हम लोग मांगे थे हम लोग को दिया नहीं, बोला तुम लोग से यहाँ से निकल जाओ। मतलब दस का तब ब्लेड आया ना तो ब्लेड आ ही नहीं सकता, अपना बच्चा पैदा हुआ है लेकिन वैसा कभी हो भी नहीं गया। 9:36 में बच्चा 9:26 में बच्चा पैदा हो गई तुरंत ऐसे उसका ब्लडिंग चालू हो गया जिसके कारण से कोई अदर डॉक्टर है उसी से इंजेक्शन मंगाया गया था 3 इंजेक्शन मंगाया गया था और वो जैसे इंजेक्शन पड़ा तुरंत मौत हो गया। अब मौत होने के बाद में बोलता कि नहीं इसको रेफर कर देते हैं बड़का गांव ले जाओ। अब बड़का गांव में लोग किया तो यहाँ तो डेट कर डेड बॉडी के बोल रहा है हजारीबाग ले जाओ और सभी डॉक्टर के लापरवाही से ऐसा हुआ है। हम लोग पूछ रहे थे बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा यहीं हो जाएगा। हम लोग बोले बार बार सैया पहुँची 9 बजे। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे एक डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ना एक इंजेक्शन का सुविधा है ना कुछ का है। इंजेक्शन भी लाने के लिए भेजा है 1 घंटा बाद इंजेक्शन आया उसके बाद इंजेक्शन पड़ा है।
यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है। इसको हम छोड़ के कहीं चल जाते तब ना पहली बार अच्छी से सिलाए ऑपरेशन का नहीं हुआ, उससे रक्त स्राव तो कैसे नहीं किया ऑपरेशन, नस कट गया का आरोप लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नस कटता वो जब सिलाई कर रहे थे उस समय तो ब्लीडिंग होना चाहिए, उस समय तो हुआ ही नहीं, या होने वक्त होते रहता तब हम जानते कि वो ब्लीडिंग होते ही रह गया। उसकी माँ है, माँ देखी है ना। तो जब स्थिति बिगड़ी तब आए यहाँ से रेफर किया गया ना? हम ट्रीटमेंट किए, हमसे नहीं हुआ तब फिर बड़का गाँव किए। यहाँ पे डॉक्टर थे? डॉक्टर वो ऐसा नहीं यहाँ दिए हैं, CHO है, फिर इनको ले गए। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।